जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। देखो यार, इतना अच्छा लाल शर्ट है, लेकिन ये ना अभी देखना वीडियो एंड होते होते तक पूरा डार्क रेड हो जाएगा पसीने के चक्कर में। गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरे तरफ। वैसे मेरे तरफ बहुत ही तेज वाला तूफान आया था, आपके तरफ आया क्या? वैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उनके तरफ तूफान आया है। खैर, सबसे पहला जो अपडेट है रेडमी K60 अल्ट्रा की तरफ से, देख लो यार फोन ऐसा दिखाई देगा। मैं सबसे पूछा कम्युनिटी पोस्ट में कि बताओ ये कौन सा फोन है, हिंट भी दिया कि अल्ट्रा है और ब्रांड का नाम आर से शुरू होगा, और फिर भी यार इतने अतरंगी मेरे को आंसर्स देखने को मिले हैं। कोई वीवो का फोन बोल रहा है, कोई ओप्पो का बोल रहा है, कुछ ही लोग थे जो सही बोले, और जहाँ तक मेरे को लगता है वो बंदे ट्विटर में मेरे को फॉलो करते हैं तभी वो एग्जैक्टली सही आंसर दिए हैं। ठीक है, तो खैर ये जो फोन है ये अगले महीने लॉन्च हो सकता है, ऐसे ऐसे रूमर्स हैं, और कोई बहुत ही अच्छा बंदा है इसका कॉन्सेप्ट रेंडर भी तैयार कर दिया, देख लो एक्चुअली शायद आपको ऐसा दिखाई देगा, लेकिन डिजाइन ऐसे ही होगा, कैमरा हाउसिंग समझ गए ना वगैरह वगैरह। Asus Zenfone 10 ये फोन बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा, और इसका प्राइस बाहर आ गया है, और खुद Asus के थ्रू ही ये प्राइस बाहर आया है, ग्लोबल प्राइस है, और गलती से बाहर आ गया। 62,000 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस होगा, कन्वर्ट करके बता रहा हूँ 62,000 रुपये, मतलब कि प्राइस काफ़ी हाईफाई होगा। अब देखो यार, रूमर्स तो उठे हैं कि इंडिया में इसके आने के चांसेस थोड़े से कम है, थोड़े से कम है याद रखना। अब मुझे अगर कुछ क्लैरिफिकेशन मिलता है कि कब तक इंडिया में आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, कुछ क्लियर पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा। लेनोवो बाबू ने चुपके इंडिया में अपना एक नया टैबलेट लॉन्च कर दिया, लेनोवो टैब M9, सारे डिटेल्स स्क्रीन पे हैं, कुछ खास स्पेक्स नहीं दे रहा भाई, मज़ा नहीं आया प्राइस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशंस देखकर दिल टूट गया यार, इससे अच्छा बंदा नोकिया का टैबलेट ना ले ले। Honor X50 ये फोन लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द चाइना में, और ये Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 के प्रोसेसर के ऊपर होगा, मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा इसको देखकर। 6 Gen 1 का बात निकला है तो एक थोड़ा सा बैड न्यूज भी आपको देना चाहता हूँ, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 इस प्रोसेसर का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये 15-16,000 रुपए में बहुत अच्छी वैल्यू दे देगा, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता था, लेकिन जब पता चला कि 4 Gen 2 को सैमसंग बना रहा है तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये वाला सीन हो गया भाई। सैमसंग के प्रोसेसर के साथ जो फोन चला रहे ना बंदे, उनसे जाके पूछो कि वो फोन कैसा चलता है, लिटरली आप उसमें रोटी पका लोगे, सेक लोगे। YouTube की तरफ से काफी सैड अपडेट है, YouTube के जो स्टोरीज वाले सेक्शन आप देखते हो, हम क्रिएटर स्टोरीज अपलोड करते हैं, ये सेक्शन हटने वाला है, ये फीचर अब YouTube हटा देगा। एग्जैक्ट डेट आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, देख लो यार, YouTube को लगता है ये फीचर इतना इंपॉर्टेंट अब रहा नहीं, जो क्रिएटर्स हैं वो कम्युनिटी पोस्ट करके भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, शॉर्ट्स वाला सेक्शन भी है, दैट्स वाई। देखो यार, स्टोरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट थे YouTube ऐप में, देखो हम कुछ भी अपडेट कर सकते थे उसके थ्रू, हम क्रिएटर छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करते स्टोरीज में लगा देते एंड सारे ऑडियंस को पता चल जाता। इनफैक्ट अगर आप बीबी की वॉइस, हमारे भुवन बाम सर हो गए, आशीष चंचलानी, राउंड टू हेल, हर्ष बनीवाल, जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, कैरी मिनाटी, ये सब स्टोरीज में अपने अपडेट्स देते रहते हैं, देखते होंगे तो स्टोरीज के थ्रू ही ना हम लोग देखते हैं उनको। और कम्युनिटी पोस्ट भी अच्छा है यार, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट में कोई भी क्रिएटर एक छोटा सा वीडियो नहीं अपलोड कर सकता, ठीक है, ऊपर से स्टोरीज में कुछ भी लगाओ 7 दिन तक गायब, तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ था कि बंदे अपडेट कर सकते थे स्टोरीज के थ्रू, तो ये वाला फीचर हटा दिया यार, अच्छा नहीं लग रहा है। अब जरा खुद सोच के देखो, अगर WhatsApp अपने स्टेटस वाले सेक्शन को हटा दिया, फीचर को हटा दिया, तो सोचो कितना बुरा लगेगा, सभी लोग परेशान हो जाएंगे, भाई स्टेटस कैसे लगाएं हम, स्टेटस काफी इंपॉर्टेंट फीचर है WhatsApp का, उसको आप स्टोरीज भी कह सकते हो। खैर WhatsApp का बात निकल ही गया है, तो WhatsApp कुछ नए फीचर्स को बीटा टेस्टिंग में टेस्ट कर रहा है। एक तो यूजर नेम हो गया, जैसे कि आप Instagram में @ लगा के यूजर नेम बनाते हो ना, वैसे ही आपको WhatsApp पे भी देखने को मिलने वाला है, और WhatsApp स्क्रीन शेयरिंग वाले फीचर के ऊपर भी काम कर रहा है, तो ये काफी अच्छे फीचर्स है भाई, आपको बहुत ही मजा आएगा इनको यूज करने में। खैर ये तो @ वाला है, देखना चाहता हूँ मैं कि इसका क्या काम होगा। Vivo Y36 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुके हैं, सारे डिटेल्स स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो। और यार कभी कभी अगर मैं कोई न्यूज़ में स्पेसिफिकेशंस या कुछ डिटेल्स नहीं दिखा पाता हूँ तो समझ जाना कि वो जो सोर्स है वो मुझे मना कर दिया, भाई तू मत लगा उन सब चीज़ों को, डिटेल्स को, दैट्स वाई मैं वहाँ पर नहीं लगाता हूँ। कुछ बंदे कहे थे मुझे कि तुम भूल गए स्पेसिफिकेशंस लगाने, भाई मैं भूला नहीं हूँ, मुझे मना कर दिया गया, समझ गए, दैट्स वाई। Infinix InBook X2 Slim लैपटॉप, भाई नाम बोलते बोलते इंसान थक जाएगा, जून के 2 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, ये वाला अपडेट सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपके पास ये स्मार्टफोन्स हैं Redmi Poco के, तो यार इन फोन्स के वारंटी बढ़ चुके हैं, 2 साल का यहाँ पर वारंटी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अगर मदरबोर्ड डेड है, कैमरा डेड है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जाओ सर्विस सेंटर में, फ्री में आपका मोबाइल सही कर दिया जाएगा। काश पोको X2 भी होता मेरा इस लिस्ट में तो मजा आ जाता। Realme 11 Pro सीरीज के स्मार्टफोन्स कब लॉन्च हो रहे हैं इंडिया में, मैंने बताया था 10 तारीख का डेट बाहर निकला है, लेकिन अब दोस्तों 8 तारीख को सब लोग कह रहे हैं कि लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स इंडिया में, 8 जून को, और सब लोग कह रहे हैं कि ये कन्फर्म्ड लॉन्च डेट है, तो देखते हैं यार 8 तारीख कितना दूर है।
तो यारो फाइनली BGMI का सर्वर जो है 29 तारीख से लाइव हो जाएगा, यानी कि अब जाके आप खेल सकोगे BGMI में बहुत ही अच्छे तरीके से। और प्ले स्टोर में तो मेरे को शो करने लग गया है, आपको भी करने लग जाएगा। और इंस्टॉल करो, बस 29 तारीख का इंतजार करो, देन उसके बाद मजा मारेंगे अपन लोग। 29 तारीख को मैं भी अपना वापस से लॉगिन आईडी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, भूल गया हूँ मैं तो, लिख के रखा था मैं उसको, कौन से कॉपी में रखा हूँ मुझे याद नहीं है, तो खोजता हूँ उसको मैं एंड फिर आईडी मैं शेयर करूंगा। फिर रात के 12 से लेकर 2 बजे तक अपन लोग खेलेंगे, यही वाला टाइम सब लोग बोले हैं और इसी टाइम पे मैं अपना पूरा शेड्यूल बना लिया हूँ, तो 12 से 2 खेलेंगे, ठीक है। और कोई लाइव स्ट्रीम वगैरह तो होगा नहीं, अपन लोग ऐसे ही बातचीत करेंगे, आपसी भाईचारा पड़ेगा। देखो यारो, आने वाले टाइम में एप्पल अपने फोल्डेबल आईफोन को तो लेकर ही आएगा। अब आप लोग बोलोगे सुफियान भाई, हम लोगों को पता है आप 2 साल से बोलते भी आ रहे हो, पेटेंट्स भी दिखा चुके हो, बाकियों से बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दिए हो, आप लोगों को सब कुछ पता है, मैं बता चुका हूं। लेकिन अब सीन ये हो रखा ना यार, एप्पल ये जो फोल्डेबल वाला चीज है ना, इसको बहुत सीरियसली ले रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूं। आने वाले टाइम में वो इतना सीरियसली लेने लग जाएगा कि आप लोग बोलोगे बस करो यार एप्पल, बहुत हो गया। मतलब कि वो फोल्डेबल आईफोन भी लेके आएगा, फोल्डेबल आईपैड भी लेके आएगा, हाइब्रिड मैकबुक्स भी लेके आएगा, मतलब कि हर चीज में फोल्डेबल घुसाएगा वो, समझ गए। और वो इतना तेजी से पेटेंट्स कर रहा है और अपने इंजीनियर्स को इतने तगड़े तरीके से काम में लगवाया है, बहुत सारे प्रोटोटाइप्स भी बना रहा है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, मतलब कि यार जो अगला, मतलब कि जो चालू होगा 2031, 2032, 2031-32, 2031-32, 2032-32, 2031-32 ये जितने भी होंगे ना, तब तक यार आप देखोगे एप्पल के बहुत सारे तूफानी फोल्डेबल चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कि एप्पल जो है ना, ये चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेगा। Xiaomi 14 सीरीज के स्मार्टफोन्स इस साल के नवंबर के मंथ के आसपास तक लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है, साल के एंड तक चाइना में लॉन्च हो जाते हैं, फिर अगले साल के स्टार्टिंग में वो बाहर की कंट्रीज में लॉन्च होते हैं। तो Xiaomi 14 Pro का फ्रंट लुक आ चुका है, देख लो। इस बारी जो Xiaomi 14 सीरीज के स्मार्टफोन्स होंगे वो कंप्लीटली बेजललेस होंगे, चिन बेजल्स काफी पतले होंगे, क्योंकि इस बारी एप्पल के आईफोन 15 सीरीज के आईफोन्स का भी यही हाल रहेगा ना, दैट्स व्हाई। तो आपको अब से बहुत सारे जो नए फ्लैगशिप दिखाई देंगे इस साल में, वो बहुत ही ज्यादा आपको बेजललेस डिस्प्ले प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हमारे आइस यूनिवर्स वाले भैया शेयर किए हैं, तो आप बताओ आपको देखने में कैसा लग रहा है फोन, मेरे को तो बहुत ही बवाल लग रहा है। Xiaomi 13 Ultra ये ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होने वाला है, और जैसा कि मैंने कहा था ये इंडिया में नहीं आएगा, तो ये इंडिया में नहीं आया। देखिए मैंने जो कहा था वो बात सच निकला, Xiaomi अपने इतने महंगे फोन को इंडिया में लॉन्च नहीं करेगा, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं 1 लाख रुपए या फिर 1,10,000 रुपए के फोन को। Nothing Phone 2 के कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस मेरे हाथ लग गए, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो, ये पक्का आपको ऐसे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। काल पे भैया को भी मैं टैग कर दिया हूँ और वो लाइक भी कर देंगे जहाँ तक मेरे को लगता है, या फिर वो कमेंट करके बोल देंगे तुमको कैसे पता, तुमको ये सारे स्पेसिफिकेशंस कैसे पता चले, और वो अपने टीम वालों को बोलेंगे कौन है हमारे बीच में गद्दार, कौन है जो यहाँ के इन्फॉर्मेशन उधर भेज रहा है। खैर ये कन्फर्म्ड है, और ये सब काल पे ही बताएं धीरे धीरे करके, जैसे कि बैटरी के बारे में बताएं, प्रोसेसर के बारे में बताएं, और डिस्प्ले के बारे में अपने को पता था 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, तो ये सब चीजें तो ऑब्वियसली बात है कन्फर्म्ड है। क्या आपको याद है Redmi Note 11T Pro चाइना में लॉन्च हुआ था, फिर वो इंडिया में जब लॉन्च हुआ तो Redmi K50i बन गया था वो, आपको याद होगा। तो यार Redmi Note 12T Pro ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला अगले महीने, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है, और सब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जैसे पिछली बार हुआ तो इस बार भी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन को फॉलो करें, तो Redmi Note 12T Pro जब चाइना में लॉन्च होगा तो वो इंडिया में बन जाएगा Redmi K60i, समझ गए। तो ऐसा होने के चांसेस सब लोग बोल रहे हैं कि होने वाले हैं, अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। देखो यारो, मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है कि मैं जितना हो सके उतना आपको अपडेट दूं, जितना हो सके उतना जल्दी आपको मैं सब चीज़ बताऊं, इसी चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता हूं। अब देखो यार, 8-9 न्यूज़ कलेक्ट करके वीडियो बनाना तो बच्चों का खेल है, मैं 1 घंटे में बनाकर डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसी जगह अगर 17-18 न्यूज़ हो गए, और मैं 17-18 न्यूज़ में तो बहुत ही ज़्यादा रहता हूँ, मतलब कि 17-18 न्यूज़ डेली देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी नहीं, हफ्ते में 2-3 बार 25-30 न्यूज़ तक दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा करने में वक्त तो लगेगा, बहुत सारा एडिटिंग, इन्फॉर्मेशन बाहर निकालना, ये जो बाकी सब जो टेक न्यूज़ देते हैं ये कुछ वेबसाइट्स पर जाकर न्यूज़ निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोगों को तो सोर्सेज तक जाना पड़ता है ना यार, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और उतने सारे स्पेसिफिकेशन जो साइड में दिखाता हूँ उसको लिखना भी पड़ता है, तो सब चीज़ों में टाइम लगता है, दैट्स व्हाई मैं लेट हो जाता हूँ। मुझे लेट होने का शौक नहीं है, मैं बहुत लगा पड़ा रहता हूँ 7 के 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो इतना टाइम लग जाता है। तो यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं दूसरे चैनल पर भी मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ पर भी न्यूज़ दे रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार, जाके चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, नहीं तो वीडियोस को जरूर जाके देखो यार, थोड़े से वीडियोस देख लो, क्योंकि मेरे को 2 चैलेंजेस पूरे करने हैं, 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं यार। थोड़ा सा सपोर्ट अपने भाई को दिखा दोगे ना
तो बहुत अच्छा रहेगा यार, मेरा हो जाएगा तुरंत। चलो यार आज का मेरा हो गया, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो शेयर भी कर देना यार अगर भला करना चाहते हो तो। और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.